हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे सो so आज के इस वीडियो में यस yes, हम बात करेंगे दो यूनिवर्सिटीज़ की दो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जिनकी तरफ से नोटिफिकेशन आए हुए हैं या बेसिकली एडवर्टीज़मेंट आए हुए हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स रिक्रूटमेंट सो आपने ऑलरेडी कई बार कमेंट्स में बोला है सो so आई वॉन्ट से कि हम सारे ही नोटिफिकेस को कवर करेंगे बट जैसे प्रीवियसली हमने कवर किए हैं सो वन बाई वन या जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे जो हमें कवर करने चाहिए सो so उन्हें हम ज़रूर कवर करेंगे सो so इसमें हम बुद्धेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी और एम एस यूनिवर्सिटी बड़ौदा की बात करेंगे दोनों ही इंस्टीट्यूशनस या यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको पता होगा सो so, यस yes, देखिए सबसे पहले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी इनकी तरफ से आए हुए हैं एडवर्टीज़मेंट और उसको देखने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे विज़िट करना होगा वेबसाइट क्या है सो so, वेबसाइट है बी यू झांसी डॉट ए सी डॉट इन ये जो वेबसाइट है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दैट इज़ यू आर एल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो इन केस आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है ओपन करने में या कोई भी स्पेसिफिक वेब पेज को एक्सेस करने में सो so आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे सो so हम रिफ़्रेश कर लेते हैं ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी ये पॉपअप के जैसे है सो so इसी में यू कैन सी रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर वेरियस रेगुलर टीचिंग पोस्ट सो यहाँ पे यू कैन सी रेगुलर टीचिंग पोस्ट और बाकी एडमिशन से रिलेटेड कुछ नोटिस हैं जो कि पी के लिए नहीं है आई नो आप पी एच की इन्फॉर्मेशन चाहिए हैं बट आई डोंट थिंक अभी जो फॉर्म्स हैं वो ओपन हुए हैं सो क्लिक हेयर पे हम क्लिक करेंगे देन नोटिफिकेशन को हम देखेंगे सो so, ये देखिए ये है वो नोटिफिकेशन एडवर्टीज़मेंट फॉर टीचिंग पोजिशन इन रेगुलर डिपार्टमेंट्स सो पे लेवल यहाँ पर लास्ट वाले सेक्शन में यू कैन सी कॉलम में और वैकेंसीज उससे पहले है स्पेशलाइजेशन है पोस्ट भी दी हुई है सो so, हम वन बाई वन देख लेते हैं देखिए सबसे पहले है डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इसमें प्रोफेसर की एक है एसोसिएट प्रोफेसर की दो है और एक है असिस्टेंट प्रोफेसर की सो so, हम अब सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को देखेंगे और बाकी आप चेक कर लीजिएगा सो फोर्थ टेक के लिए स्पेशलाइजेशन आप देख सकते हैं और वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है पे लेवल भी अकॉर्डिंगली यू कैन चेक ओके सो ये सब हम डायरेक्टली बात करेंगे पोस्ट की और सब्जेक्ट्स की सो मैथमेटिकल साइंसिस एंड कंप्यूटर अपलिकेशन टोटल थ्री वैकेंसीज़ हैं वन 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 ईच इन फॉर प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड फॉर एसस्टेंट प्रोफेसर दैन टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट जिसमें कि एक प्रोफेसर की है और दो है इसिस्सटेंट प्रोफेसर की और ये दोनों ही जो हमारे पोस्ट हैं दैट इज़ प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर ये है होटल मैनेजमेंट के लिए ओके okay? और स्टैट्स uh, में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन नेक्स्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की दो पोस्ट है ओके देन बैंकिंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है जिसमें कि एक पोस्ट है प्रोफेसर की दो है एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है जो कि है इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में देन है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें की दो सीट्स हैं या दो पोस्ट हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में देन है जियोलॉजी जिसमें दो सीट्स असिस्टेंट प्रोफेसर की एंड लास्ट है हिंदी जिसमें सिर्फ प्रोफेसर की पोस्ट है एक ओके okay. क्वालिफिकेशन जो नॉर्म्स होते हैं वही है उसी के अकॉर्डिंग होगा फी डिटेल्स में एप्लीकेशन फ़ी है रुपीज़ वन थाउजेंड और एस सी के, के लिए ये फीस है फाइव हंड्रेड पेमेंट आप एप्लीकेशन फ़ी की डीडी के थ्रू करेंगे जो कि पेबल होगी एसबीआई बी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी इन फेवर ऑफ़ of फाइनेंस ऑफिसर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी सो so बेसिकली आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा जब आप ऑनलाइन प्रॉपर जो स्टेप्स हैं उसे कम्प्लीट कर लेंगे सो आपको उसका प्रिंट लेना है ओके हार्ड कॉपी सो जो हार्ड कॉपी जनरेट होगी फिर आपको उसे सेंड करना है बाय पोस्ट उसी हार्ड कॉपी के साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट और सेल्फ अटेस्टेड सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको भेजने हैं ओके सो पेमेंट ऑनलाइन नहीं करना पेमेंट आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करना है और ये रहा एड्रेस जिसपे कि आपको भेजना है सो so टू दी ऑफिस ऑफ of द रजिस्ट्रार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कानपुर रोड झांसी ओके okay? और यस फोर्टीन अगस्त डेट दी हुई है सो फोर्टीन ऑफ अगस्त से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए चौदह अगस्त आखिरी डेट है वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स को पहुंचने की ओके सो यस ये था नोटिफिकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जो आदेश है आप उसको पढ़ सकते हैं और जो ए स्कोर है बेसिकली जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा उस स्कोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सो आप चेक कर लीजिए वैसे यहाँ पे एग्ज़ाम के थ्रू लिखा हुआ है एंड यस एकेडमिक स्कोर क्या होंगे कैसे उनकी गणना होगी ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है सो येस yes, आप इसको एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा और अब हम ओपन करते हैं अपना जो दूसरा वाला नोटिफिकेशन है एडवर्टीजमेंट है उसको या बेसिकली उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को। जी तो देखिए ये है वेबसाइट एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वेबसाइट की वैसे वेबसाइट है यहां पे आपको मेन्यू का ये टैब दिख रहा है इसी पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है इसमें रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिख रहा है ना उसी पे हम क्लिक करेंगे सॉरी सो so इस पर क्लिक करने के बाद यू कैन सी सबसे पहले है पोर्टल तो अप्लाई करने का ये पोर्टल है सेकंड वाला है नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर सो चलिए इसे ओपन करते हैं उससे पहले ये देखिए टर्म्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर गिवन है ओके okay, सो so आप इसको देख लीजिएगा जी तो ये है वो नोटिफिकेशन एम एस यूनिवर्सिटी बड़ौदा की तरफ से आया हुआ है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और ये सी ई एस के तहत है ओके okay, मतलब कि कॉन्ट्रैक्चुअल एजुकेशनल सर्विसेज और ये पाँच साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा लास्ट डेट टू है सेवेंथ ऑफ अगस्त 2021 ट्वेंटी so, सो सात अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे लिंक दी हुई है अभी हमने पोर्टल देखा था उसी के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं इसी को स्क्रॉल करेंगे सो आपको दिखेगा जो डिपार्टमेंट है और सीट्स हैं वो ओके सो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है जिसमें कि यू कैन सी डिपार्टमेंट सो अकेडमिक प्रोग्राम भी दिया हुआ है जिसके लिए है ये बेसिकली टीचिंग ऑपरचुनिटी सो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट है एक सीट अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट में देखिए डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है बीबीए के लिए एक है हायर पेमेंट यूनिट के लिए फोर है पीजी डिप्लोमा के लिए वन है उसके बाद है बिजनस इकोनॉमिक्स सो so, बिज़नेस इकोनॉमिक्स में ओवरऑल यू कैन सी टू सीट्स आर देयर हियर वन इज़ फॉर बीबीए एंड वन फॉर बी कॉम ऑनर्स देन कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट ओके सो इसमें हम इसी तरह से देख लेते हैं दैट इज़ कम्बाइन करके सो कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में थ्री डिसिप्लिन के लिए है या थ्री कोर्सेज के लिए है ओवरऑल यू कैन सी एट सीट्स हैं फिर है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जिसमें कि एक सीट है देन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी है जिसमें कि साइकोलॉजी के लिए फ़ोर सीट्स हैं फिर है फाइन आर्ट्स जिसमें कि टोटल है एट सीट्स देन है फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस जिसमें कि आपको इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए दो सीट्स दिख रही हैं और एफ के लिए मेनली इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए वन है लॉ के लिए थ्री है देन एम है एरियाज़ देख लीजिएगा फोर सीट्स हैं टोटल कंप्यूटर एप्प्लीकेशन में सिक्स है इन्वॉर्मेंटल साइंस में फोर है उसके बाद है इंफॉमेशन टेक्नोलॉजी जिसमें एक सीट है देन डॉक्टर विक्रम सारा भाई इंस्टीट्यूट सेल एंड बायोलॉजी में थ्री है फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में दो सीट्स ओवरऑल देखिए, केमिस्ट्री है तो ये ये आप सेंटर भी देख लीजिएगा, सो so है श्री एम के अमीन आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज एंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स ओके सो केमिस्ट्री में है वन दैन फिजिक्स में वन बॉटनी में वन जूलॉजी में वन ई में वन मैथ्स में वन माइक्रोबायोलॉजी में टू एंड सी दैट इज़ बैचलर ऑफ़ कंप्यूटर एप्लीकेशन वन तेन फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में दो सीट्स हैं अब यहाँ पर इन्वॉलमेंट्स और बेनिफिट्स दिया है सो फोर्टी थाउजेंड पर मंथ ये फिक्स है और बाकी जो इंक्रीमेंट और बाकी इन्फॉर्मेशन है आप उसे देख लीजिएगा राइट right. और यू कैन सी फोर्थ पॉइंट दो कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टन पी एच डी डिग्री विद नेट सेट उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी दैन नेक्स्ट यू कैन सी लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि पी एच डी डिग्री मैंडेटरी क्वालिफिकेशन होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एक जुलाई दो हज़ार इक्कीस से तो आई थिंक ये माना जा रहा है बट यहाँ पर क्वालिफिकेशंस में आप देखेंगे तो सिर्फ नेट के कैंडिडेट्स को भी एलिजिबल बताया गया है ठीक है सो आई रिक्वेस्ट एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा जो बाकी इन्फॉर्मेशनस हैं इन्हें देख लीजिएगा फिल कैसे करना है फॉर्म को आपको हार्ड कॉपी इसको सबमिट नहीं करना है ओके सो so, आप इसको चेक कर लीजिएगा लास्ट डेट आपको पता है सेवेंथ ऑफ अगस्त है और उसके बाद नेक्स्ट ओवरऑल देखिए ओवरऑल थर्टी वन पेजेस हैं पी ओके पी डी के टोटल थर्टी वन पेजेस हैं और पूरी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं आई एम सर्चिंग फॉर एलिजिबिलिटी सो क्राइटेरिया हम एक बार देख लें ये देखिए यहाँ पे यू कैन सी फैकल्टी वाइज दिया है सो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स लॉ साइंस कॉमर्स एक्सेट्रा के लिए एलिजिबिलिटी ए या बी होनी चाहिए ए में मास्टर्स डिग्री है विद फिफ्टी मार्क्स और नेक्स्ट है नेट क्वालिफिकेशन है यू कैन सी मस्ट हैव है नेट कंडक्टेड बाई यू या अगर नेट नहीं होता तो फिर सेट आपने क्वालिफाई किया हो ओके okay. ओके okay. सिर्फ ये दो क्राइटेरिया थे और में लिखा हुआ है पीएचडी डिग्री आपके पास हो ओके सो ऊपर अभी तो नहीं था बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से ओके okay. हम क्योंकि स्पेसिफ़िकली बात से डिपार्टमेंट्स और नोटिफिकेशन की कर रहे हैं सो so, आपका जो डिपार्टमेंट है आप उसके अंडर चेक कर लीजिएगा एंड यस ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें ही देखी लिखी हुई है और दैट इज़ इट ये था आज अच्छा का वीडियो और ये थी इन्फॉर्मेशन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड दैट इज़ इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग